हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलाइट में। आज से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का एक नया सीरीज चालू किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे हम लोग कितना तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, हमारी तैयारी कैसी है। और इस सीरीज में हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे 30 से 50 क्वेश्चंस। अभी फ़िलहाल ये रोज़ का एक वीडियो आएगा, लेकिन 2 से 4 दिन के अंदर में ये रोज़ का 2 वीडियो आने लगेगा। और हमारा टारगेट है कि 15 दिन के अंदर में 1000 क्वेश्चंस को कवर किया जाए। 15 दिन के अंदर में हम लोग 1000 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ये रेलवे और एसएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू आपको रोज़ मिलते रहेगा। इसमें रोज़ आपको 30 से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप अपने लिए 10 से 20 मिनट का भी टाइम रोज़ निकाल पाते हैं तो आपके 50 से 100 क्वेश्चंस रोज़ का तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जो घरों में हम लोग बिजली का बल्ब देखते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, इसमें सामान्यतः ऑर्गन और नियॉन भरी जाती है, इनर्ट गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस। तो वो कौन सी है? ऑप्शन में ऑर्गन नहीं है, ऑप्शन में नियॉन है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। और जो अंदर जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, याद रखिएगा, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? कुछ लोग सोच रहे होंगे मैडम क्यूरी ने, लेकिन ये गलत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्वेरेल ने। इनका पूरा नाम था हेनरी बैक्वेरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर और संवेग पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। ध्वनि का वेग आपको बताना है कि ध्वनि का वेग, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सूखी हवा से नमी हवा में कम होती है, यानी कि सूखी हवा में ज़्यादा होती है, नमी हवा में कम होती है, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन बी दिया है, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होती है, यानी कि सूखी हवा में कम होती है, नमी हवा में ज़्यादा होती है। ऑप्शन चार दिए गए हैं, आप पढ़िए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूखी हवा की अपेक्षा नमी हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातु यूज होती है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा और क्रोमियम। लोहा और क्रोमियम का यूज होता है स्टेनलेस स्टील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप इसे बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4H2O। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू जो खट्टा होता है वो किस कारण से होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायु एक आपको बताना है क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अवघट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। हंसाने वाला गैस कौन सा है, लाफिंग गैस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है N2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है।
ऑप्शन में जो दिया है इनमें से बताना है आपको इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है। जल की अस्थाई कठोरता का कारण है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है। अपमार्जक क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोधन अभिकर्ता। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी अल्फा बीटा और गामा किरण तीनों उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, आपको बताना है हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है उसमें किस चीज की मात्रा मिलाई जाती है ज्यादा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम की मात्रा। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है, आपको बताना है चांदी का उत्पादक राज्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस के रूप में कौन से गैस को काम में हम लोग लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Cl2। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र बताना है आपको धोने के सोडा का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त कौन है, चार ऑप्शन दिया गया है बताना है आपको सबसे इसमें हार्ड कौन होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे कड़ा पदार्थ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन है
खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है वाहन से जो निकलती हैं प्रदूषित गैसें वो कौन कौन सी हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।